हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑप्टोमेटिस्ट जानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोग्रेसिव लेंसेस के बारे में पूरा डिटेल में। प्रोग्रेसिव लेंसेस क्या होती हैं, प्रोग्रेसिव लेंसेस पहनने से क्या फ़ायदा है, प्रोग्रेसिव लेंसेस आप किन किन कोटिंग के साथ में ले सकते हैं, किस एज में हमें प्रोग्रेसिव लेंसेस की रिक्वायरमेंट रहती है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोग्रेसिव लेंसेस क्या होती हैं। प्रोग्रेसिव लेंसेस मल्टीफोकल लेंसेस होते हैं। मल्टीफोकल लेंसेस यानी उनमें हर पॉइंट पर पावर होती है। आप उसे डिस्टेंस का देख सकते हैं, मिड डिस्टेंस का देख सकते हो, नियर का देख सकते हो, तीनों विज़न उसे क्लियर होते हैं। एंड प्रोग्रेसिव लेंसेस में पावर फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी में होती है, हर पॉइंट पर पावर होती है। जैसे हमारी आइज़ वर्क करती हैं, सेम हमारी प्रोग्रेसिव लेंसेस हमें बाहर की ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में वर्क करती हैं। बट प्रोग्रेसिव लेंसेस में साइड विज़न उतना क्लियर नहीं होता है। तो अगर आप साइड में देखोगे आईज को तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। हालांकि अगर आप पूरा नेक घुमा के देखते हो, जैसे आप नेचुरल आई से देखते हो, तो वैसे ही आपको क्लियर दिखाई देगा। तो प्रोग्रेसिव लेंसेस आप बिल्कुल नेचुरल आई की तरह होती हैं। आप प्रोग्रेसिव लेंसेस पहनोगे तो आपको एकदम कंफर्टेबली आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। अब हम जान लेते हैं कि प्रोग्रेसिव लेंसेस किस एज में बन सकते हैं या फिर किस पावर में प्रोग्रेसिव लेंसेस अवेलेबल होते हैं। तो प्रोग्रेसिव लेंसेस स्टॉक लेंसेस नहीं है, यानी कि प्रोग्रेसिव लेंसेस आपको पहले से रखे हुए नहीं मिलते हैं। ये आपकी आईज के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, और अगर आपकी आईज के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनी तभी आपको प्रोग्रेसिव लेंसेस एकदम कंफर्टेबल होगा। बिकॉज हमारी आईज, सबकी आईज थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं। ऐसे में अगर आप स्टॉक लेंसेस लेते हो तो वो आपको कंफर्टेबल नहीं होती। अगर आपकी आईज का पूरा मेजरमेंट लिया गया है उसके बाद में आपकी प्रोग्रेसिव लेंसेस बनी हैं तो आपको पहनने में एकदम कंफर्टेबल होता है। साथ में ही एज की अगर हम बात करें तो प्रोग्रेसिव लेंसेस के लिए हमें नियर की पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में मोस्टली 40 इयर्स की एज में हमें नज़दीक का नंबर आता है। हालांकि रेयर केसेस में इसे पहले भी आ सकती है हमें नज़दीक का नंबर। तो अगर आपको नज़दीक दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है देन आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने आई स्पेशलिस्ट से। बट 90% केसेस में हमें डिस्टेंस के नंबर से ही नज़दीक की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, और 40 इयर्स होते ही हमें नज़दीक का नंबर आ जाता है। तो ऐसे में हमें नज़दीक देखने के लिए डिफरेंट स्पेक्स की रिक्वायर्ड होती है, और डिस्टेंस देखने के लिए अलग नंबर चाहिए, अलग चश्मा चाहिए। बट अगर आप दो चश्मे कैरी करने से बचना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है प्रोग्रेसिव लेंसेज। अब किस पावर में अवेलेबल होता है, तो ऑब्वियसली अगर आपको नज़दीक का नंबर नहीं है तो आपको प्रोग्रेसिव लेंसेस नहीं बन सकता है, बिकॉज आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है। आपका जो डिस्टेंस नंबर है उससे ही आपको नज़दीक का क्लियर दिखेगा। बट हाँ, अगर आपको नज़दीक का नंबर है, अगर आपका डिस्टेंस में कोई नंबर नहीं है, या तो भी आपका प्रोग्रेसिव लेंसेस बन सकता है, आप प्रोग्रेसिव लेंसेस ले सकते हो। उसका रीज़न है, अगर आपका डिस्टेंस में कोई भी पावर नहीं होती है, नंबर नहीं होता है, तो डिस्टेंस में प्लेनो लेंस यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई भी पावर नहीं रखी जाती, ज़ीरो पावर रखी जाती है, और नज़दीक में आपकी जो भी पावर होती है वो डाल दी जाती है। ऐसे आप प्रोग्रेसिव लेंसेस ले सकती हो इससे। और अगर आपका डिस्टेंस में नंबर है तो आपको वो पावर मिल जाती है डिस्टेंस में। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमें नज़दीक का नंबर आ जाता है तो रीडिंग ग्लास के साथ में एक प्रॉब्लम होती है।
उसे नसीब का तो क्लियर दिख रहा है, बट सडन अगर आपने सामने देखा, बिकॉज आप कंटिन्यूसली रीडिंग वर्क कर रहे हो, नज़दीक का वर्क कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप देखोगे सामने, उसी स्पेक्स के देखने लग जाओगे, हमेशा स्पेक्स रिमूव करने का याद नहीं रहता। और जब ये हमारी हैबिट बन जाती है तो हमें हेडेक होने लगता है, बिकॉज आइज में बहुत ज़्यादा स्टेन होता है, कुछ भी आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो ये प्रॉब्लम होती है नज़दीक रीडिंग ग्लासेस के साथ में, बट अगर आप प्रोग्रेसिव लेंसेज पहनते हो तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ऐसे में अगर आपको डिस्टेंस में नंबर नहीं है, फिर भी आप प्रोग्रेसिव लेंसेज पहन सकते हैं, इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट थिंग, किस कोचिंग में अवेलेबल होता है प्रोग्रेसिव लेंसेज? तो प्रोग्रेसिव लेंसेज आपको विदाउट एनी कोचिंग भी मिल जाएगा। अगर आपका लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा वर्क है, आपको ब्लू कंट्रोल कोटिंग चाहिए, ब्लू कंट्रोल लेंसेस चाहिए, तो उसमें भी आपका प्रोग्रेसिव लेंसेस बन जाएगा। अगर आपका आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, आपको सन से प्रोटेक्शन चाहिए, या फिर आपको एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग चाहिए जिससे कि आप चीज़ों को और भी ज़्यादा क्लियर देख सकें, साथ ही आपको आइस में प्रोटेक्शन भी मिल सके, तो ऐसे में एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के साथ में भी आपको प्रोग्रेसिव लेंसेस बन सकता है। अगर आप कोई भी कोटिंग नहीं चाहते हैं तो आप सिंपल लेंस में भी प्रोग्रेसिव लेंसेस अवेलेबल रहता है, उससे भी सारी चीज़ें क्लियर दिखती हैं, सारी विजन क्लियर दिखती हैं। बट अगर हम कोटिंग्स की बात करें तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाती है, हमारी आई हेल्थ मेंटेन रहती है। कोटिंग डिपेंड करती हैं आपकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है। जैसा आपका वर्क प्रोफाइल है वैसे आप कोटिंग्स चुन सकते हैं, उनमें आप अपना प्रोग्रेसिव लेंसेस बनवा सकते हैं। बट अगर आपका बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, आपको खाली रीडिंग के लिए ही प्रोग्रेसिव लेंसेस चाहिए, या फिर फुल डे पहनने के लिए चाहिए, प्रोटेक्शन उससे भी रहती है, बिकॉज आप बाहर जा रहे हो, कुछ भी डस्ट पार्टिकल आपकी आइज में आएगा तो वो अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे में अगर आपने स्पेक्स पहन रखा है तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती हैं। तो ऐसे में आप विदाउट कोटिंग भी प्रोग्रेसिव लेंसेस ले सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि प्रोग्रेसिव लेंसेस पहनने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो प्रोग्रेसिव लेंसेस से पहनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। फर्स्ट नंबर रहता है कि आपको उसमें सारी विजन होती हैं, डिस्टेंस भी क्लियर होता है, मिड डिस्टेंस भी क्लियर होता है, नज़दीक भी क्लियर होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होता है इसमें, बिकॉज आप फ्रीली आइज से देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, जब आइज में जंपिंग इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज अगर आप बाईफोकल लेंसेज लेते हो, यानी कि जिसमें डिस्टेंस की पावर होती है, नज़दीक की पावर होती है, ऐसे में क्या होता है कि डिस्टेंस से सडन आपको नियर देखना है तो आपको आइज को डिस्टेंस पावर से नियर पावर में देखना पड़ता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है, जंपिंग इफेक्ट होता है, एक पावर से दूसरी पावर में सडन देखना, तो ऐसे में आइज में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, जंपिंग इफेक्ट होता है। बट प्रोग्रेसिव लेंसेस में ऐसा नहीं है, उसमें आपको हर पॉइंट पे पावर मिल रही है, जितनी पावर आपको चाहिए आपकी आइज के अकॉर्डिंग ही बनी है, तो कोई भी जंपिंग इफेक्ट नहीं होता है। साथ ही प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट हैं, आप कोटिंग्स भी करवा सकते हैं, आप फुल डे पहन के रख सकते हैं, तो इनकेस अगर आप सनग्लासेस कैरी नहीं करना चाहते, अगर आप भूल जाते हैं, तो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्रोग्रेसिव लेंसेस पहने, जिससे कि आपको प्रोटेक्शन भी मिल सके, सन से प्रोटेक्शन मिल सके, अगर आपने उसमें कोचिंग करवाई है तो। बट प्रोग्रेसिव लेंसेस के साथ में एक एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप न्यूली फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव लेंसेस पहनते हो तो उस टाइम पे आपको उसमें क्लियर नहीं दिखाई देता, तो ऐसे में हमें लगता है कि प्रोग्रेसिव लेंसेस हमें शूट नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है, प्रोग्रेसिव लेंसेस सभी को सूट हो जाती है। इसके लिए आपको अडेप्टेशन पीरियड चाहिए होता है। अडेप्टेशन पीरियड क्या है? एक्चुअली अगर आप कोई भी
लेंस नहीं पहन रहे हो, स्पेक्स नहीं यूज़ कर रहे हो, फिर सडन आप स्पेक्स यूज़ करती हो, तो आपकी ब्रेन में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, आपकी आईज़ को अनकंफर्टेबल होता है, बिकॉज आपकी आईज़ को हैबिट नहीं होती है उन ग्लासेस के थ्रू देखने की। तो ऐसे में आप अपनी ब्रेन को डायग्नोस करने का टाइम पीरियड दें। मोस्टली जो प्रोग्रेसिव लेंसेस का अडेप्टेशन पीरियड होता है वो 8 to 15 डेज होता है। उसके बाद भी अगर आपको सूट नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, देन आपने जहाँ से स्पेक्स लिया है वहाँ पे विजिट करना चाहिए। हो सकता है मेजरमेंट में कुछ मिस्टेक हो गया हो या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम हो। कभी कभी हमारी फ्रेम के डिसअलाइनमेंट होने की वजह से भी हमें कंफर्टेबल नहीं होता, तो ऐसे में एक बार अगर आप विजिट करेंगे तभी आपकी प्रॉब्लम क्योर हो सकती है। बट प्रोग्रेसिव लेंसेस अगर आप अडेप्टेशन पीरियड के बाद में पहनते हो तो बेस्ट है। आपको 2 चश्मे नहीं कैरी करने पड़ते, आपको क्लियर दिखाई देता है। एक ही स्पेक्स से बहुत सारी प्रॉफिट है, और सबसे मेन यही है कि झंझट होता है, एक स्पेक्स रिमूव करो फिर दूसरा चश्मा पहनो, फिर ये प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप प्रोग्रेसिव लेंसेज पहन रहे हो तो इससे बच सकते हो। बट आपको ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव लेंसेज पहन रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत अपनी आइज़ को टाइम देना चाहिए, उसके बाद में आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी। बिकॉज जब हम फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव लेंसेज पहनते हैं तो सभी पेशेंट की ये कंप्लेन रहती है कि उनको अनकंफर्टेबल हो रहा है, दिखाई क्लियर नहीं दे रहा बहुत। स्पेशली ड्राइविंग करें तो ड्राइविंग तो करनी ही नहीं चाहिए, जब तक आपका अडेप्टेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता है आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए प्रोग्रेसिव लेंसेज से, उसके बाद कर सकते हैं। बिकॉज आपको कंफर्टेबल नहीं होता तो ऐसे में आपको विजन क्लियर नहीं होगा, उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल लग सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर आईज, थैंक यू।